मोहतरम हजरात, हक ताला शानहू का बड़ा एहसान है कि उसने हमें ये मुबारक अय्याम, मुबारक रातें नसीब फरमाई। 9 ज़िलहज्जा अरफे का दिन हमारे इंडिया के चांद के एतबार से मंगल का दिन पड़ता है, जिसके रोजे के बड़े फजाइल है। दोनों जहां के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूं एक साल अगले और एक साल पिछले सारे गुनाहों का कफारा हो जाए। तो इस रोजे के बड़े फजाइल है, कोशिश करें, हिम्मत करें ताकि अरफे का रोजा भी हम लोग रख सके। दूसरी चीज है अय्याम तशरीक और तकदीर तशरीक। तो 9 ज़िलहिज्जा अरफे का दिन यानी मंगल के दिन फजर की नमाज से ये अय्याम तशरीक शुरू हो रहे हैं। 13वीं की असर तक यानी सनीचर असर की नमाज तक ये अय्याम तशरीक है, जिसमें मर्दों को आवाज बुलंद एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना है और औरतों को भी एक मरतबा तकबीर तशरीक पढ़ना है। अलबत्ता फर्क इतना है कि मर्द हजरात हर फर्ज नमाज के बाद आवाज बुलंद तकबीर तशरीक पढ़ेंगे और औरतें हर फर्ज नमाज के बाद आहिस्ता तकबीर तशरीक पढ़ें। दोनों पर इस तकबीर का पढ़ना वाजिब है और फतवा इस पर है कि नमाज जमात के साथ पढ़े तो भी और तन्हा नमाज पढ़े तो भी इस तकबीर का एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। तकबीर तशरीक के कलिमात ये है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दुआ करें अल्लाह ताला ये छोटी मोटी जो कोशिशें और नेकियां हो रही है, बस अल्लाह ताला शर्फ़े कबूल फरमाए और अपनी रजा नसीब फरमावे।